एक कहानी है, बहता हुआ सा पानी है। हर पल कुछ नया दिखाता है, कभी खुशियाँ कभी मायूसी दे जाता है। भर कर अपने अंदर खुशी को, हर गम से सीखते चलो। जो गिर गए तो क्या हुआ, उठकर फिर आगे बढ़ो। जब काले घने अंधेरों से भी तुम ढूंढ लोगे रोशनी, उस दिन हर गम हारेगा और जीतेगी तो बस खुशी, जीतेगी तो बस खुशी। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर क्लिकिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो देन आई एम हिमांशी एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली ग्रेट। तो दोस्तों, आज है 7 जनवरी 2024 का सातवां दिन। 6 दिन जा चुके हैं, अब थोड़े और दिन बाकी हैं जिनका भी जनवरी का पता नहीं कब ख़त्म हो जाएंगे। तो अपने समय को पाबंद बनाते हुए, अपने समय का अच्छे तरीके से उपयोग करते हुए, मैं सबसे पहले सुबह उठ जाती हूँ, अपने लिए गर्म गर्म पानी बना के लाती हूँ, क्योंकि गर्म पानी उतना ही ज़रूरी है ठंड में जितनी चाय ज़रूरी है। और आप सभी को बीच बीच में पड़ते हुए गर्म पानी पीना चाहिए। ऐसे मत करो कि आप पानी ना पियो, सर्दी है तो पानी मत पियो, लेकिन गर्म कर लो, निवाया निवाया पानी हमेशा पियो। पड़ते वक्त 1 घंटा 2 घंटे के बाद जब भी आपका मन करे तब पियो। तो अब मैं नीचे आ जाती हूँ, नीचे यहाँ पे नंदी जी है। और बताओ नंदी जी, कैसे हो आप? सुबह सुबह आ गई ये लड़की, इस लड़की ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। ये मुझे खाना भी नहीं खाने देती, पता नहीं ऐसे हाथ हिलाने लग जाती है। हेलो बाय, मैं तेरे को कर रहा हूँ, चली जा। दोस्तों, आप नंदी जी की बातों पे ध्यान मत दो। अब मैं आ जाती हूँ मेरे महादेव जी के पास। नंदी जी से थोड़ी सी अपनी बेइज्जती करवा के फिर मैं महादेव जी के पास आ जाती हूँ, पूजा करती हूँ, तुलसी को पानी देती हूँ, सूर्य देव को पानी देती हूँ, और फिर उसके बाद अब हम चलते हैं अपने रूम में और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए करते हैं अपने डेली रूटीन के वर्क। मैं सबसे पहले सुबह उठने के बाद अपना बेड बनाती हूँ। अगर मैं बेड ना बनाऊँ ना तो मेरी बिल्कुल ऐसे चिड़चिड़ हो जाती है, और बेड बनाने के बाद ऐसे लगता है हाँ अब सही है, अब सही से पढ़ा जाएगा। वरना उससे पहले तो अगर बेड ना बनाऊँ ना और काम करने लग जाऊँ तो बिल्कुल दिमाग में अजीब सा चलता रहता है और चिड़चिड़ापन हो जाता है। बिल्कुल कोई भी आए तो उसके साथ लड़ाई हो जाती है, मैं गुस्सा करने लग जाती हूँ। तो बस यही चीज़ होती है, इसलिए मैं बेड सबसे पहले बनाती हूँ अपने रूम का, और उसके बाद अपने डेली रूटीन के वर्क करने लग जाती हूँ। मेरा ये रहता है सुबह उठते ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि दिन में फिर मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा ठंडे पानी में हाथ दूँ, इसलिए मैं सुबह उठते ही नहा लेती हूँ, उसके बाद अपने मॉर्निंग रूटीन के वर्क कर लेती हूँ। और अभी मैं संतरा खा रही हूँ और कुछ वोकैबुलरी वगैरह रिवाइज कर रही हूँ। संतरा मेरे को पसंद है, फेवरेट समझ सकते हो आप, लेकिन ज़्यादा फेवरेट तो आम है, लेकिन संतरा भी ठीक लगता है मेरे को। तो अब मैं कुछ नोट्स में से रिवाइज कर रही हूँ, तो कुछ कर रही हूँ मैं अपनी बुक में से रिवाइज। और आप सभी के जो कमेंट्स होते हैं, सच बता रही हूँ, मेरा दिन बना देते हैं आप सभी के कमेंट्स। इतने अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं, मैं तो सोच रही हूँ क्या पता इतनी तो मैं लायक हूँ भी या नहीं जितना आप मेरे को प्यार करते हो। लेकिन भगवान की कृपा है और आप सबकी भी कृपा है जो आप सभी मेरे से इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है आप सभी का इतना प्यार मिलना। मैंने पहले तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा आप सब। तो आज हमारी वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा डिस्ट्रैक्शन। मेरे से कमेंट में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होती है हमें तो हम क्या करें। तो देखो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन पहले तो आप ये समझो कि आपको डिस्ट्रैक्शन किन चीज़ों की वजह से होती है, आपका कम्फर्ट जोन क्या है, मतलब क्या चीज़ें आपको पढ़ने के लिए डिस्ट्रैक्ट करती है, मतलब पढ़ने नहीं देती है आपको। सबसे पहले उन चीज़ों को पहचानो, और उन चीज़ों को पहचानने के बाद उनको अपने से दूर करो, धीरे धीरे करो, एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे से उनको अपने से दूर करो, तभी आप पढ़ पाओगे। अगर वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी, जैसे आप समझ सकते हैं टीवी देखना देखने से आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है, तो आप क्या करो, टीवी को बंद कर दो एक दिन। जैसे आप 2 घंटे देखते हो तो एक दिन थोड़ा सा कम करो, फिर और कम कर दो, और फिर उस टाइम में और क्या करोगे आप, जब टीवी नहीं देख सकोगे तो क्या करोगे आप, पढ़ोगे, आपके पास काम ही एक रह जाएगा पढ़ने का। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक यही उपाय है, आप पहले तो समझो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और उसके बाद उनसे दूर हो जाओ, बस यही उपाय है। और फिर इसके बाद आप बिल्कुल सही से पढ़ सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। और मन में बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल रखो कि भाई हम पढ़ किस लिए रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं हम पढ़ के, हम पढ़ रहे हैं तो खुद के लिए पढ़ रहे हैं। अब आपका मन क्यों नहीं करेगा, खुद के लिए भी आपको फ्यूचर नहीं चाहिए क्या? जब ये चीज़ें आप अपने मन में सोचते हो ना तो बिल्कुल सही से पढ़ा जाता है मेरे से। तो अब पढ़ने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, और आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं सच बता रही हूँ, आज तो हवा भी चल रही है, इसलिए मैंने
कैप भी पहन ली है और मैंने बना ली चाय। आज ये मेरे सुबह की फर्स्ट कप चाय है। एक सुबह मैंने पी थी, 4 बजे उठी थी ना मैं, तब पी थी मैंने। और मैंने व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया था आज, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और बाहर बिल्कुल ऐसे निकलने का मन नहीं था। तो मम्मी ने मेरे को रूम में चाय दे दी थी और मैंने पी ली थी, और थोड़ा बहुत जो अपना पढ़ना होता है, रिवाइज करना होता है, वो मैंने कर लिया था। और अब मैंने चाय बनाई है, तो अब थोड़ा थोड़ा मौसम पहले से ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये देखो मैंने रूप में थोड़ा सा चेंज किया, ये लाइट वाला, और मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद हो रहा है। और धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ कि रूम में और भी चेंजेस करेंगे। तो अब मैं जैसे रीजनिंग पे आऊँगी, फिर जीके जीएस पे आएंगे, तो जैसे न्यूज़पेपर वगैरह वो रूम में ऐसे लगाएंगे, अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखेंगे, क्योंकि सफाई और डेकोरेशन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। वरना देखो अगर कुछ नहीं करते हम, तो पढ़ने का इतना मन नहीं करता, और उन चीज़ों को देखने के बाद अपना ड्रीम याद आता है, और फिर पढ़ने का और मतलब अलग ही मन करता है, मुझे लगता है ऐसा। मुझे नहीं पता सबको लगता है या फिर नहीं, तो मैं ऐसा सब कुछ करने वाली हूँ। और अब 2-4 दिनों में जब से भी क्लासेस लगने लगेंगे, अभी क्लासेस नहीं लगती, 1-2 क्लासेस लगती है, तो मैं नहीं चाहती भाई 1-2 क्लासेस के लिए 1 घंटे का सफ़र तय करके कॉलेज में जाऊं और फिर 1 घंटे में आऊं और फिर वहां पे भी टाइम वेस्ट करूं। तो अब जब क्लासेस लगने लग जाएगी फिर मैं कॉलेज में जाने लगूंगी, तो आगे के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आप सभी के लिए वीडियोज़ लाती हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दिया करो, कमेंट तो आप करते ही हो, वो तो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसे होता है जब हम कोई मेहनत करते हैं ना, तो हमें फीडबैक चाहिए होता है, तो बस वो फीडबैक अगर आप मेरे को ऐसे दोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो अब देखो दोस्तों, मैं अपने लगभग काम करने के बाद मैं अपने आ जाती हूँ बाहर, क्योंकि आप सभी को पता है मेरे को बाहर रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। अंदर अंदर मेरे को नींद आने लग जाती है अगर मैं अंदर अंदर बैठी रहती हूँ, और फिर मैं खिड़कियाँ वगैरह भी वैसे तो खोल के बैठती हूँ, लेकिन फिर ऐसे सोचा थोड़ी देर के लिए बाहर चलती है ना, ईमानशी ऐसे मन में कर लेती हूँ, फिर सोचती हूँ ठंड है, कोई बात नहीं, ठंड है तो क्या हुआ, और लोग भी तो काम करते हैं, वैसे जैसे किसान होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो मजदूर होते हैं, वो इतनी ठंड में कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, और हमारा तो काम ही क्या है, हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, उनके चोट भी लग जाती है, और ठंड में चोट लगना तो ऐसे समझो भाई कितनी मतलब कितनी बड़ी बात होती है। और वो सभी कभी भी नहीं कहते, हमारे पेरेंट्स को देख लो, वो कभी नहीं कहते कि हम आज की छुट्टी ले लेते, आज नहीं करते, वो टाइम टू टाइम और कोशिश करते हैं कि भाई हम हमारे लिए हर वो चीज़ दे जो हम मांगते हैं, उससे ज़्यादा देते हैं हमारे पेरेंट्स हमेशा। और वो हमसे सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पढ़ें, हम वो भी किस लिए, कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमें फ्यूचर में कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हम खुद सब कुछ करें, इसलिए हमारे पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, और हम उसका उल्टा कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। इंजॉय करना भी ज़रूरी है, लेकिन लाइफ में पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबका एम यही होता है, अपने पेरेंट्स का, कि हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा वो बने। और जब कोई थोड़ा सा भी उल्टा काम कर देता है ना, तो पेरेंट्स पे कितनी ज़्यादा बीतती है कि हम तो इतना करते हैं, और मतलब वो बोलते कुछ नहीं है फिर भी इतना नहीं कहते, उनके मन ही मन इतना, उनको इतना बुरा लगता है, इतनी इंसल्ट होती है उनकी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने पेरेंट्स की कभी भी इंसल्ट मत होने देना। सबके पेरेंट्स, मम्मी पापा सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इतनी मेहनत करो आज के दिन कि फ्यूचर में आप अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड फील करवाओ, यही मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ, और आप सभी से हर दूसरी वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ। तो प्लीज़ आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने लग जाओ, या फिर आप पढ़ नहीं सकते तो किसी और चीज़ में, लेकिन अपने पेरेंट्स की कभी भी इंसल्ट मत होने देना। बिल्कुल सोसाइटी में उनकी ऐसी इमेज बना दो कि भाई कोई किसी की हिम्मत ना हो, ना होने ना हमें कुछ कहने की। तो ये तभी हो सकता है जब हम आज मेहनत करेंगे, तभी हमारा कल बेहतर होगा, हमारे घर वालों का, हमारे अपनों का, हम जिनसे प्यार करते हैं उनका कल बेहतर होगा, हम उनके साथ खुशी खुशी रह पाएंगे। हाँ, ये भी सच है कि हमारे आसपास वाले लोग भी हमें आगे बढ़ने नहीं देते, हमें बहुत ज़्यादा मतलब नीचे की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। अगर हम कुछ अच्छा करने लग जाते हैं ना, तब जलन के मारे कुछ कुछ करने लग जाते हैं। तो उन सभी के लिए मैं आपको एक लाइन सुनाना चाहती हूँ। वजूद तेरा जो मिटाने चला, वो खाक में मिल जाएगा, शोला है तू, आग है वो, जो उन सबको राख कर जाएगा। जो चाही है मंजिल, तूने उस तक लड़कर ही जा पाएगा, मुसीबत लाख आए पद में, उन सबको मात दे जाएगा। वजूद तेरा जो मिटाने चला, वो खाक में मिल जाएगा, शोला है तू, आग है वो, जो उन सबको राख कर जाएगा। क्यों सोचता है अकेला है तू, वहाँ तक ना पहुँच पाएगा, जब खुदा खुद है तेरे साथ, तो तू अकेला कहाँ रह पाएगा। हर हर महादेव।